हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप अपने मैकबुक की स्क्रीन जो है स्मार्ट टीवी में, कोई भी स्मार्ट टीवी में कैसे मिरर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ईजी है और सिंपल स्टेप है, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आपको आपके स्मार्ट टीवी में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप अपने मैकबुक की स्क्रीन स्मार्ट टीवी में मिरर कर सकते हैं। तो आप यहां पर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी में प्ले स्टोर नहीं है तो आप एप्टॉइड टीवी ऐप का यूज़ कर कर एप्लीकेशन को भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास प्ले स्टोर है, तो मैं प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है ए पावर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन शो हो गया, आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है ए पावर मिरर। तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर दिया हूं, तो अभी यहां पर से ओपन नहीं करने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं ए पावर मिरर, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके मैकबुक में यहाँ पर जो मेनू बार है, यहाँ पर मेनू बार में इस आइकन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी स्मार्ट टीवी का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर कर कनेक्ट कीजिए, आपकी स्क्रीन जो है मिरर हो जाएगी, मैकबुक की स्क्रीन मिरर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन मिरर हो गई है। और यहाँ पर स्क्रीन मिरर करने के लिए आपको सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, आपके मैकबुक को और आपके स्मार्ट टीवी को सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, रियल टाइम यहाँ पर मिरर हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप स्ट्रेच के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके स्मार्ट टीवी में स्क्रीन जो है फुल हो जाएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इसको एग्जिट करना है तो फिर से आपको मेनू बार में इस आइकन पर क्लिक कर कर यहाँ पर फिर से स्क्रीन मिरर पर क्लिक कर कर आपको स्मार्ट टीवी को सेलेक्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली मैकबुक की स्क्रीन स्मार्ट टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।